फ्रेंड्स, अभी हम हो ची मिन्ह सिटी का सिटी ऑफ स्क्वायर का एक बाइक टूर लेने वाले हैं। तो अभी हम बाइक टूर में जा रहे हैं। ये है हमारा बाइक वाला दोस्त जो हमें घुमाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। फ्रेंड्स, आपको ये बाइक टूर, छोटा सा बाइक टूर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हमारा हो ची मिन्ह सिटी का लास्ट डे है, वियतनाम का भी लास्ट डे है। तो आज हम वापस जा रहे हैं। अगर आपको वियतनाम का हो ची मिन्ह सिटी में हलाल खाना चाहिए तो आप यहाँ पर आइए, ज़रूर आपको हलाल खाना मिलेगा। जो कि बेंता मार्केट है हमारे पीछे, उसका गेट नंबर 2 से निकल के आप सीधा गली जा रहा है, यहाँ पे जाइए। आपको इधर सब मुस्लिम होटल वगैरह मिलेगा जो कि हलाल फूड सर्व करते हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पे आपको जितना सॉफ्टवेयर वगैरह है सब मुस्लिम मिलेंगे। और यहाँ पे मुस्लिम प्रोडक्ट्स, आपका हलाल खाना वगैरह जो भी चाहिए आपको सब यहाँ मिलेगा, जो कि एकदम वियतनाम का सिटी सेंटर में ही है। ये देखिए, ये सब मुस्लिम शॉपकीपर वगैरह है। और आपको यहाँ सब मिलेगा। ये देखिए, अभी जो स्ट्रीट में हूँ, ये स्ट्रीट को वियतनामी मुस्लिम स्ट्रीट करके बुलाते हैं ऐसे रफली। एक्चुअली इसका नाम तो कुछ दूसरा ही है जो कि वियतनामीज में लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारा हलाल खाने को। यहाँ पर जितना रेस्टोरेंट्स वगैरह है, ज़्यादा आपको मलेशियन रेस्टोरेंट मिलेंगे और कुछ तुर्किश वगैरह भी है, लेकिन ज़्यादा यहाँ आपको मलेशियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये छोटा सा मुस्लिम स्ट्रीट का टूर कैसा लगा, जहाँ पे हलाल फूड मिलता है? तो अगर आप कभी वियतनाम का होचीमिन सिटी प्लान करें तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पे हलाल फूड बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए ये वियतनाम का मुस्लिम स्ट्रीट से। फ्रेंड्स, अभी हम अपना इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद होचीमिन सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भीतर आ चुके हैं। ये हमारा सामने बोर्डिंग गेट है, यहाँ से हमारा इंडिगो का फ्लाइट है जो कि सीधा कलकत्ता के लिए, जो कि हमारा होम टाउन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तभी हम होचीमिन सिटी का इमिग्रेशन क्लियर के बाद हैं, तो थोड़ा वॉकिंग टूर में देखते हैं। लेकिन रात के बहुत एक
एक बज के ओवर हो गया, इसीलिए थोड़ा दुकान बंद हो गया है, कुछ कुछ खुला हुआ है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, हो चि मिन्ह सिटी का एयरपोर्ट ऐसे ही मोटा मोटी है, बहुत ही ख़राब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज चलेगा। तो अभी देखिए, ये जो हो चि मिन्ह सिटी का जो एयरपोर्ट है, ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, इसमें दो टर्मिनल है, एक डोमेस्टिक टर्मिनल और एक इंटरनेशनल टर्मिनल। अभी हम इंटरनेशनल टर्मिनल में हैं और गेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मोटा मोटी ठीक ही है। तो वियतनाम में थे, वियतनाम का डिफरेंट डिफरेंट तीन शहर हम लोग गए हैं, पहले तो हैनोई, उसके बाद दानांग, उसके बाद हो चि मिन्ह सिटी। तो ये वियतनाम का सीरीज आप लोगों को कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमारा थाईलैंड वियतनाम का जो सीरीज था वो यहीं ख़त्म होता है। बहुत जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, नया कोई देश, नया कोई शहर, बहुत ही जल्द आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए वियतनाम का हो चि मिन्ह सिटी से बाय बाय।